आज जिस विषय पर हमें बात करनी है वो है कि गांधी का क्या महत्व है आज की तारीख में, गांधी के विचारों का क्या महत्व है, क्या रेलिवेंस है। डू वी नीड टू गो बैक टू गांधी अगेन और वी डोंट नीड टू गो बैक टू गांधी। गांधी वॉज अ थिंकर ऑफ द पास्ट एंड नाउ वी डोंट नीड हिम एट ऑल। सो दीज आर द थिंग्स बींग डिबेटेड। आश्चर्य की बात है कि ये गांधी का 100वां साल भी है एंड मैं जरा एक बार कन्फर्म कर लूँ कि मेरी आवाज़ सही से जा रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो कई सारी महत्वपूर्ण बातें इस विषय में अभी उठ रही हैं और दुनिया भर में गांधी को लेकर एक पुनर्विचार भी शुरू हुआ है। बहुत सारी किताबें आ रही हैं गांधी के ऊपर। मैं आपको बताऊं कि मेरी बात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों से हो रही थी, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान से जो किताबें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं वो गांधी पर लिखी गई किताबें हैं। बहुत कुछ गांधी के बारे में कहा जा चुका है, लिखा जा चुका है, लेकिन मेरा एक कंसर्न ये है कि गांधी को हम कैसे समझने की कोशिश करें। तो मैं अपनी पहली बात उससे शुरू करूँगा, फिर मैं 3-4 और मुद्दों को उठाऊँगा। एक मुद्दा तो निश्चित रूप से वर्तमान समय से संबंधित है, वो है जो पूंजीवाद का स्वरूप हमारे सामने निकल कर आया है। उस पूंजीवाद के स्वरूप के संदर्भ में गांधी को हम कैसे समझ सकते हैं। दूसरी बात मैं करूंगा कि ये जो नया स्टेट इमर्ज कर रहा है, जो नया राज्य का जो नया स्वरूप बन रहा है, पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मालूम होगा कि हम लोग बहुत पढ़ते हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य का स्वरूप क्या है, या ऑरिजिन ऑफ इंडियन स्टेट, थियोरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट, ये सब कुछ पढ़ते हैं। तो मेरा दूसरा पॉइंट होगा कि कैसे जो टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट अभी उभर रहा, अभी बन रहा, और अब ये COVID-19 के समय में तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जिस राज्य के साथ हम लोग रह रहे हैं वो राज्य वेलफेयर कम है, लोक कल्याणकारी राज्य कम है और टेक्नो अथॉरिटेरियन ज़्यादा है। ये क्या है टेक्नो अथॉरिटेरियन, मैं इसके बारे में बात करूँगा। तीसरी बात मैं करूँगा कि इस राज्य के खिलाफ यदि कोई आंदोलन होना है, यदि राज्य की नीतियों से हम सहमत नहीं हैं तो क्या स्वरूप होगा हमारे विरोध का, इस टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट के का विरोध आप कैसे करेंगे और क्या होगा इसमें, क्या होने वाला है। और चौथी बात मैं करूँगा जो अभी अमेरिका में आपने देखा ब्लैक लाइफ मैटर का जो पूरा आंदोलन था उस संदर्भ में ह्यूमन डिग्निटी को लेकर मैं बात करूँगा। ये 3-4 बातें मैं करने की कोशिश करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा कि गांधी हमारे लिए इसमें कहाँ तक सहायक हो सकते हैं। एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर दूँ कि गांधी खुद भी कहते थे कि मेरा कोई वाद नहीं है। सच तो ये है कि किसी भी थिंकर को जब आप वाद में कन्वर्ट करते हैं तो उनका एक लिमिटेशन हो जाता है, फिर वो क्लोज होने लगता है, फिर उसमें होता है कि नहीं यही ऑथेंटिक गांधी हैं, यही ऑथेंटिक मार्क्स हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो बड़े चिंतक हैं ये सभी चिंतक फिलोसोफर्स ऑफ लिबरेशन हैं, मुक्ति के दार्शनिक, मुक्तिकामी दार्शनिक हैं, तो इनको ओपन रखने की ज़रूरत है। इनका मूल उद्देश्य उस समय में जो संघर्ष था उस संघर्ष को थियराइज करना, उसमें जनता के साथ मिल के चलना और उनके लिए मुक्ति का सपना देखना था। तो हर समय में संघर्ष का स्वरूप भी बदलेगा क्योंकि हर समय में शोषण का स्वरूप भी बदलता है। तो बदलते हुए संदर्भ में इन दार्शनिकों को समझना और उनसे हम क्या ले सकते हैं ये समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं इस बारे में आपसे ये आग्रह करूँगा कि ये गांधी को पढ़ने का जो तरीका है जिसका नाम मैं देता हूँ कॉग्निटिव रीडिंग, कहता हूँ मैं इसे कॉग्निटिव रीडिंग ऑफ गांधी। गांधी खुद भी कॉग्निटिव रीडिंग करते थे, यानी ये कॉग्निटिव रीडिंग क्या है कि हम मनुष्य होने की हैसियत से कुछ काम करना चाहते हैं और कुछ करने के पहले हमें समझने की ज़रूरत है चीज़ों को,
और समझदारी जो हमारी है वो कैसे विकसित होती है। हम दूसरों की समझदारियों से सीखते हैं। जो अलग अलग परिस्थितियों में लोगों ने चीज़ों को समझा और देखा है, जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो उनसे हम एक कॉग्निशन लेते हैं। जैसे नॉर्मल कॉग्निशन क्या है, जब हम बच्चे थे और बड़े हो रहे हैं तो एक लालटेन गर्म है, हम उसे छूने की जिद करते हैं, जब उसे छूते हैं तो हमें गर्म लगता है, तो हमारा कॉग्निशन एक्टिवेट होता है कि भाई ये गर्म, ऐसी दिखने वाली चीज़ गर्म हो सकती है, छूने से आपका हाथ जल सकता है, आप उसे ना छूएं। तो हमने एक कॉग्निशन डेवलप किया। फिर थोड़ा और बड़े होते हैं तो फिर हम सवाल करना शुरू करते हैं लोगों से, और लोगों के अनुभवों से हम सीखना शुरू करते हैं। तो ये दैनिक जीवन के बारे में बात होती है। थोड़ा जब और बड़े होते हैं और दुनिया के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो हम तो सब जगह गए नहीं हैं, सब सारे प्रयोग हमने किया नहीं है, तो हम दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं। और दूसरों का अनुभव कहाँ होता है? दूसरों का अनुभव संकलित होता है उनकी पुस्तकों में, उनके लेखों में, उनके पत्रों में, उनके वक्तव्यों में, उनके भाषणों में। तो जो अवेलेबल रिसोर्स है ह्यूमन बीइंग के पास, उससे हम कैसे एंगेज करें, उससे हम डायलॉग में कैसे आए, तो उसका एक तरीका ये है कि हम उनसे उनको पढ़ें लेकिन अपने संदर्भ में पढ़ें। यानी जो हमारी ज़रूरतें हैं समझदारी के लिए, हमारे जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब उनसे हम खोजें। ये संभव है कि जो हमारे सवाल हैं वो बिल्कुल नए हों और उनका जवाब इन थिंकर्स के पास, इन चिंतकों के पास ना, लेकिन फिर भी हम बार बार उनके पास इसलिए लौटते हैं कि उनमें से जिन लोगों ने इस तरह की परिस्थितियों को झेला है, उसमें संघर्ष किया है, उसके बारे में सोचा है, उससे हमें बहुत कुछ क्लू मिलता है। इसे मैं कहता हूँ कॉग्निटिव रीडिंग। और मैं मानता हूँ कि गांधी खुद भी कॉग्निटिव रीडिंग करते थे। उदाहरण मैं देता हूँ गांधी का, कि गांधी जब गीता के बारे में बात करते थे तो कहते थे मुझे मालूम नहीं है किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, मैं इस बात को भी जानने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि इसका मोस्ट ऑथेंटिक मीनिंग संस्कृत के हिसाब से क्या होता है। मेरा कंसर्न ये है कि मैं जिस समस्या से घिरा हुआ हूँ, क्या गीता मुझे उस समस्या के समाधान में कोई हेल्प कर सकता है? यदि कर सकता है तो मैं उसको लेना चाहता हूँ। इसीलिए गांधी कहते थे गीता माता, कि बार बार मैं गीता को पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि जब मैं बहुत संकट में फंसा होता हूँ तो वहाँ से बहुत कुछ मुझे क्लू मिलता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण है, टॉलस्टॉय को बहुत पढ़ते थे, तो एक बार जब उन्हें सत्याग्रह वर्ड चाहिए था, उन्होंने लिखा टॉलस्टॉय को कि मैं ये शब्द खोज रहा हूँ जो इसके लिए उपयोग में लाया जा सके, तो मैंने एक कॉम्पिटिशन करवाया है लोगों के बीच में, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप इसके बिल्कुल खिलाफ होंगे। फिर भी मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं था एक ऐसे शब्द पे पहुँचने का, जो ऐसे कॉन्सेप्ट पे पहुँचने का जो बहुत उपयोगी हो, तो मैंने ये तरीका सोचा। तो ये ऐसा नहीं कि किसी की नकल कर रहे हैं, ऐसा नहीं किसी को लेकर उनके ऑथेंटिक बातों को लेकर फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये है कि बहुत सारे लोगों को पढ़ते हैं, उन लोगों को देखते हैं, उन लोगों से अपने कॉग्निशन के लिए क्या चीज़ें ली जा सकती हैं उसको वो लेते हैं। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को भी ऐसे ही कॉग्निटिव रीडिंग करने की ज़रूरत है, गांधी की भी और मार्क्स की भी और तमाम चिंतकों की। मैं जिसे कहता हूँ फिलोसोफर्स ऑफ लिबरेशन है, फिलोसोफर ऑफ लिबरेशन से हमें डायलॉग करने की ज़रूरत है हर समय में, और इस समय खास करके जो हमारा समय है वो बड़ा संकटपूर्ण समय है। मैं उस पर आऊँगा कि हमारे समय में क्या परिवर्तन हो रहा है और क्यों संकटपूर्ण, मैं इसको कह रहा हूँ। तो ये कॉग्निटिव रीडिंग एक टेक्निक है जिससे हम अपने कॉग्निशन को डेवलप कर सकते हैं और अपनी वर्तमान परिस्थिति में हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में कोई हमें क्लू मिल सकता है। गांधी को यदि गौर से पढ़ें, तो मैं अभी इरफान हबीब को पढ़ रहा था, कई लोगों को पढ़ रहा था गांधी पर, कई लोग कहते हैं, पूछते हैं ये सवाल कि गांधी का कोर आइडिया क्या है, ऐसा बेसिक आइडिया क्या है जिससे आप सब चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। कोई सत्याग्रह कहता है, कोई अहिंसा कहता है, तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गांधी का जो कोर आइडिया, जो कोर फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो है, उसे मैं कहता हूँ एथिकल रियलिज्म। ये एथिकल रियलिज्म क्या है, जिसे आप हिंदी के जो लोग हैं जरूर जानते होंगे,
आदर्शवादी यथार्थवाद। वैसे तो आदर्शवादी यथार्थवाद कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म है, एक तरफ आप आदर्शवादी भी होना चाहते हैं और यथार्थवादी भी होना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें तो एक साथ हो नहीं सकती हैं ऐसा लगता है। लेकिन मुझे लगता है गांधी ने अपने फिलोसफी को जो कॉन्सेप्टलाइज किया वो यथार्थवादी आदर्शवादी यथार्थवाद के रूप में कॉन्सेप्टलाइज किया, और ये केवल गांधी ने नहीं किया, मैं मौका होता तो मैं बताता कि कैसे एक पूरा ट्रेडिशन रहा है आदर्शवादी यथार्थवाद का भारत में। जैसे मैं मानता हूँ कि कौटिल्य भी एक आदर्शवादी यथार्थवाद आदर्शवादी यथार्थवाद का प्रवर्तक था, लोग अक्सर उसे मैकियावेली से कंपेयर करते हैं कि वो भी यथार्थवादी था और कौटिल्य भी यथार्थवादी था, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक आदर्शवादी यथार्थवादी था। तो गांधी का ये आदर्शवादी यथार्थवाद क्या चीज़ है, पहले मैं इसकी थोड़ी व्याख्या कर लूँ कि इसे क्या कैसे समझें इसको। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि और बड़ी पॉपुलर कहानी है हमारे समाज में कि एक साधु पानी में खड़ा था और एक बिच्छू उधर से गुजर रहा था, पानी में बह रहा था, तो साधु ने बिच्छू को उठाया और बाहर निकाल दिया, बिच्छू ने साधु को डंक मार लिया, फिर वो पानी में चला गया, साधु ने दूसरी बार उसे निकाला बाहर, फिर पानी में चला गया, तीसरी बार किया फिर पानी में चला गया, हर बार उसे डंक भी मार रहा था। तो एक आदमी बाहर खड़ा होकर देख रहा था, उसने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपको बार बार डंक मार रहा फिर भी आप कर रहे हो। तो उसने कहा देखो मुझे तो ये मालूम है कि वो डंक मारेगा, वो अपना काम कर रहा मैं अपना काम कर रहा हूँ, यानी उसका जीवन बचाना ये इस साधु का आदर्श था। लेकिन ऐसा नहीं था कि साधु को ये नहीं मालूम था कि वो डंक मारेगा, रियलिटी ये थी कि वो डंक मारेगा, लेकिन इन्होंने उस रियलिटी को जानते हुए एक निर्णय लिया, ये मेरा एथिक्स है मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये जो ह्यूमन एजेंसी है कि यथार्थ जैसे चल रहा है हम उसके झुंझुने नहीं हैं, हम यथार्थ के हिसाब से ही अपने आप को मोबिलाइज करेंगे ऐसी ज़रूरत ज़रूरी नहीं है जो प्रैग्मेटिज्म कहता है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, ये हमारी स्वायत्तता है, हम मनुष्य पुत्र हैं, ये हमारी स्वायत्तता है कि हम एक डिसीजन ले सकें, जो डिसीजन हमारा एथिकल डिसीजन, हमें मालूम है कि इस डिसीजन से हमें घाटा हो सकता है फिर भी हम ये डिसीजन लेंगे। अब इसकी तुलना यदि आप करते हैं पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म से, जो वेस्ट का मूल मंत्र अभी भी बना हुआ है कि हर व्यक्ति स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करता है, तो इन दोनों में एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। गांधी कहता है कि ऐसा मुझे मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम ना हो कि मेरा स्वार्थ किस में होगा, लेकिन मेरा हर डिसीजन मेरे स्वार्थ से गाइडेड होगा ये ज़रूरी नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग की खासियत है। और गांधी इसी को बार बार प्रवोक करते हैं, बार बार कहते हैं कि आप इस खासियत को समझो और उसके हिसाब से काम करो। और ये मुझे लगता है गांधी की बड़ी ताकत थी कि गांधी ने जैसे भी हो उस पर भी बात की जा सकती है इस बात को कम्युनिकेट किया लोगों के बीच, और लोग उस पर ट्रस्ट करने लगे। वो कम्युनिकेशन का टेक्निक क्या था उस पर हमें समझने की ज़रूरत चाहिए। मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ ये जानकर कि मैला आंचल का वामन दास गाँव में रहता है, छोटा सा आदमी है, आदना सा आदमी है, लेकिन वो गांधी के विचार से इतना प्रभावित है कि वो मरने को तैयार हो जाता है एक आदर्श के लिए। कभी गांधी से उसकी मुलाकात नहीं हुई, न होने की कोई उम्मीद है, ना उन विचारों से कोई उसका व्यक्तिगत लाभ होना संभव है, फिर भी वो मरने को तैयार हो जाता है और मर जाता है। ये जो गांधी का कम्युनिकेशन था लोगों के साथ, वो कम्युनिकेशन तभी संभव था जब ये आदर्शवादी यथार्थवाद को लेकर गांधी ने अपने जीवन को ढाला था, सोचने समझने के तरीकों को ढाला था, और यही गांधी का मूल मंत्र है मेरे ख्याल से। और गांधी आज की तारीख में भी होते तो हमसे कहते कि देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रियलिटी क्या है, वो कैसे मूव करेगा, उसका लॉजिक क्या होगा, लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हम उस लॉजिक को मानने के लिए बाध्य नहीं है, हमारा एक अपना अथॉरिटी है, हमारी अपनी एक एजेंसी है, उस एजेंसी को हम चाहें उसे इन्वोक कर सकते हैं, और उस एजेंसी को एक्वायर करने की कैपेसिटी हमें होनी चाहिए। वो हम तब एक्वायर कर सकते हैं जब हम फिलोसफिकली लिबरेटेड, जब हम कॉन्शस हों, जब हम बौद्धिक तौर पर लिबरेट हो सकें, तभी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और फिर वो गांधी बहुत सारी बातें करते हैं कि कैसे हम ब्रह्मचर्य आस्ते और तमाम तरह की जो के जो कंट्रोल सिस्टम हैं
ह्यूमन डिज़ायर के ऊपर, उसके बारे में गांधी बात करते हैं। ये जो आदर्शवादी यथार्थवाद है, ये जो एथिकल रियलिज्म है, मुझे लगता है गांधी का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को यदि हम समझेंगे तो फिर किसी भी समय में गांधी जैसे चिंतक से संवाद करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जहाँ कहीं हमें कन्फ्यूज़न होगा कि गांधी यहाँ क्या कर रहे हैं, तो हम इस मंत्र को लगाकर ये समझ सकते हैं कि गांधी वहाँ क्या कहना चाह रहे होंगे। और यदि कहीं गांधी अपने रास्ते से भटक रहे हैं तो हम उसे बिल्कुल अपने आप को अलग कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये बात बिल्कुल एथिकल रियलिज्म से मैच नहीं करता, यानी एथिकल रियलिज्म हमारा मेजरिंग स्केल हो सकता है। ह्यूमन लिबरेशन के लिए एथिकल रियलिज्म एक मेजरिंग स्केल होगा, और कोई भी व्यक्ति इंसान है, उसके चिंताएं, उसके सोचने का तरीका इवॉल्व करता है। यदि हम सिर्फ गांधी को समझने के लिए उनके ग्रंथों पर निर्भर करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ग्रंथ तो हमारे मानचिंतन को डॉक्यूमेंट करता है, लेकिन हम तो उस डॉक्यूमेंटेशन से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। सच तो ये है कि जो किताबें हम लोग जब लिखते हैं वो किताबें हमारे अपने चिंतन के हिसाब से 10 साल पुरानी होती हैं। जो चिंतन हमारा शुरू होता है इस वक्त, वो उसको कॉन्सेप्चुलाइज करके किताब के फॉर्म में प्रिंट होकर रीडर तक पहुँचते पहुँचते ही तो 5 से 7 से 8 साल लग जाता है। रॉल्स कहते हैं उन्हें 30 साल लग गया उस विचार को वहाँ तक ले जाने में। तो गांधी ने इसका तरीका अपनाया था चिट्ठियों के माध्यम से संवाद करना, अपने विचारों को चिट्ठियों में डॉक्यूमेंट करना। और इसीलिए कई बार ऐसा होता था कि टैगोर से उनकी बातचीत हो रही है और बातचीत हो गई, टैगोर ने कहा, गांधी ने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आप मुझे चिट्ठी लिखो, मैं भी आपको चिट्ठी लिखूंगा जिसमें इन बातों का जिक्र होगा। तो गांधी प्रेजेंट को जो सोच रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, लेकिन फिर इवॉल्व कर जाते हैं। तो यदि हम सिर्फ उनकी किताबों के माध्यम से उनको समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से हम सही ढंग से कॉग्निटिव रीडिंग गांधी का नहीं कर पाएंगे। गांधी के कॉग्निटिव रीडिंग के लिए हमें उनकी किताबों के साथ साथ इस मूल मंत्र को लेकर चलना पड़ेगा। जो खुद भी गांधी कहते हैं कि जब यदि आप मेरे दो बातों में कॉन्ट्रडिक्शन देखें तो जो बाद की बात है उसे आप मान लें, पहली वाली बात को आप छोड़ दें, क्योंकि मैं इवॉल्व कर चुका हूँ तब। और मैं उसमें ये जोड़ता हूँ, गांधी कहते यदि मेरी किसी बात से आपको लगता है कि वो मनुष्य के लिए मुक्तिकामी नहीं है तो उसे तुरंत ड्रॉप कर दें और नई बात सोचें, नए तरीके से सोचें, मैं भी आपसे सहमत हूँगा, मैं भी आपके साथ विमर्श करने के लिए तैयार होगा उसको। और गांधी का जो डायलॉग का कॉन्सेप्ट है, जो हैबिबस भी अब कह रहे हैं और तमाम तरह के लोग कह रहे हैं कि वो जो डायलॉग है दोनों के बीच में, ये डायलॉग हिंदुस्तान की बड़ी परंपरा रही है जिसे हम कहते हैं पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। और पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के डायलॉग में आप संवाद करते हैं। संवाद का मतलब है कि आप तैयार हैं इस बात के लिए, यदि आप उनसे कन्विंस हो जाते हैं तो आप बदल जाएंगे, आप क्लोज करके नहीं चलेंगे, आप जीतने के लिए प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं, आप संवाद कर रहे हैं सीखने के लिए। ये गांधी का जो डायलॉग का पूरा कॉन्सेप्ट था, उसका भी एक पूरा फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है कि क्यों डायलॉग का ऐसा कॉन्सेप्ट था। सिंपल सी बात थी, क्योंकि सत्य का को संपूर्णता में हम लोग नहीं जान सकते। जब सत्य को संपूर्णता में हम नहीं जान सकते हैं तो फिर हमारा सत्य जो है वो हमेशा इवॉल्व करेगा, हमेशा हम नई रोशनी में चीज़ों को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। जिसे मार्क्स कहते हैं कि समय के बदलाव के साथ साथ चीज़ें बदलेंगी और हमारी समझदारी भी बदलेगी, इसीलिए हमेशा नॉलेज जो है वो ग्रो करेगा। तो गांधी उस बात को कहते हैं कि कैसे ये ग्रो करता है और हमें हमेशा डायलॉग में ओपन रहने की ज़रूरत है। तो हमने कहा कि कॉग्निटिव रीडिंग हम कर सकते हैं गांधी का। कॉग्निटिव रीडिंग से हम गांधी को बेहतर समझ सकते हैं और खुले ढंग से समझ सकते हैं, उसे वाद में परिणत नहीं करके एक ऐसे फिलोसोफर के रूप में पढ़ें जो समय से संवाद कर रहा है मनुष्य की मुक्ति के लिए। जो भी स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनेशन उसे नज़र आता है उस स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन के खिलाफ संघर्ष का बिगुल वो फूंकने की कोशिश करता है। और इसलिए भी मैं कहता हूँ कि जब लोग कहते हैं गांधी शांति के पुजारी थे और पीस के लिए गांधी का बड़ा इम्पोर्टेंस है, ग्लोबल पीस के लिए बड़ा गांधी का इम्पोर्टेंस है, तो मुझे लगता है कि गांधी इतने बड़े पीस के समर्थक नहीं थे, वो स्ट्रगल के समर्थक थे।
अंतर सिर्फ इतना था कि वो स्ट्रगल कैसे हो, किस तरीके से किया जाए, वो उनका अपना तरीका था जो पीसफुल तरीका था। यदि कहीं पे स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन है और आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं तो आप कभी गांधी के समर्थक नहीं हो सकते। स्ट्रगल करना ही गांधी का दूसरा मूल मंत्र है। लेकिन स्ट्रगल कैसे किया जाए, एथिकल रियलिज्म के डोमेन में रह के स्ट्रगल कैसे किया जाए, ये मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बात जो गांधी से समझ में है। अब मैं जो चार बातें मैंने कही मैं उस पर आता हूँ। पहली बात जो अभी सबसे बड़ा संकट दुनिया भर का हो रहा है वो है कि हम मनुष्य अपनी प्रकृति के साथ कैसे संवाद करें। हम फिजिकली सर्वाइवल के लिए, अपने भौतिक स्वरूप में जिंदा रहने के लिए प्रकृति पर निर्भर करते हैं और प्रकृति से हमारा संवाद लगातार चलता है। कुछ नियम बनते हैं, कुछ कानून बनते हैं कि आप प्रकृति से कितना ले सकते हैं और कितना नहीं ले सकते हैं, और कैसे ले सकते हैं और कैसे नहीं ले सकते हैं। तो आपको याद होगा कि लॉक ने एक सिद्धांत बनाया कि हम प्रकृति से कैसे ले सकते हैं। उसने कहा कि यदि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाते हैं प्रकृति के साधन साधन को, तो उसकी खासियत ये होगी कि हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, और यदि ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे तो लोगों के लिए ज़्यादा उपलब्ध भी होगा। ये उन्होंने एक नियम बनाया जो नियम अभी तक बरकरार है। अभी भी जब आप कहते हैं कि ये ज़मीन इस इंडस्ट्री को दे दी जाए तो आपका तर्क क्या होता है? तर्क ये होता है कि इस छोटी सी ज़मीन में वो इंडस्ट्री ज़्यादा सरप्लस पैदा कर सकता है, और यदि ज़्यादा सरप्लस पैदा होगा तो हमारे पास खर्च करने के लिए ज़्यादा होगा, हम आपको ज़्यादा दे सकते हैं। इसी ग्राउंड पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को अप्रोप्रिएट किया गया, और जो मॉडर्निटी का एक बड़ा चिंतन का हिस्सा रहा कि इससे व्यक्ति की डिग्निटी भी बढ़ेगी और व्यक्ति क्रिएटिव होगा और कंट्रीब्यूट करेगा प्रोडक्शन प्रोसेस में वगैरह। इसके जो नतीजे निकले हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे आप कहते हैं पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, वो इसका फिलॉसफी था। वो फिलॉसफी क्या था कि हर व्यक्ति अपनी शक्ति का मालिक है, और यदि उसका उपयोग करके वो प्रकृति से कुछ चीज़ों को लेता है, ये उसका अपना है, वो इसका पजेसन है, और उससे जो फायदा हो सकता है वो उसका होगा। ये लॉक का पुराना थियरी है। जिन लोगों ने सी बी मैकफर्सन को पढ़ा होगा, सी बी मैकफर्सन ने बखूबी हॉब्स और लॉक के बारे में ये बात कही है कि कैसे ये दर्शन इवॉल्व करता है, जिसमें एक तरह से ये बातें होती हैं कि व्यक्ति का स्वामित्व कैसे बनता है। लेकिन उसकी सीमा हमने देख ली है। उसकी सीमा क्या है? एक तो जो हमारा लालच है उसकी कोई सीमा नहीं है। आपको याद होगा 2008 में जब बड़ा आर्थिक संकट आया विश्व में, तो उस पर जो रिपोर्ट तैयार किया गया, और बड़े बड़े लोगों ने रिपोर्ट तैयार किया, उसमें कई नोबेल प्राइज़ वालों ने विनर्स इकोनॉमिक्स के बैठे थे, उसमें वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी बैठे थे, उन लोगों ने जो रिपोर्ट तैयार किया उसमें कहा, बड़ा बखूबी उसने कहा कि ये जो संकट है 2008 का, ये संकट इसलिए हुआ है कि हम लोग बहुत लालची हो गए हैं। जो लोग व्यवस्था को मैनेज करते हैं वो बहुत लालची हो गए हैं। तो यदि आपने पूरा सिद्धांत ही इसी बात पे गढ़ा है कि मनुष्य लालची है, तो फिर यदि वो लालची हो गया तो इसमें आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसका मतलब है कि उस सिद्धांत के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है फिर मनुष्य के लालची हो जाने में। और उसी लालच के कारण हमने प्रकृति का भयंकर दोहन किया है। इतना दोहन किया है कि अब आप सब लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और कह रहे हैं लोग कि प्रकृति इतने गैस चैम्बर में हम लोग रहते हैं दिल्ली में जब होते हैं, तो हमने प्रकृति का न केवल भरपूर दोहन किया है बल्कि वो दोहन भी कुछ लोगों ने अपने हिस्से में कब्जा कर लिया है। थॉमस पिकेटी को यदि आप माने, यदि उसकी किताब पढ़ें कैपिटल, तो बखूबी वो कहता है कि पूरी दुनिया में पिछले 20-25 वर्षों में इनइक्वालिटी अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया है, और 1% वर्सेस 99% मेटाफोरिकल हो सकता है, लेकिन सच बात ये है कि इस दुनिया की सारी संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में सीमित है, बाकी लोग संपत्ति से महरूम। यानी प्रकृति के साधनों पर इंसान होने के चलते, जीव होने के चलते, सजीव पदार्थ होने के चलते आपका अधिकार था उसका उपयोग करने का। आपने क्या किया? आपने अपनी लालच में उसे कंट्रोल करके अपने हिस्से में
कब्जा कर लिया, बंद कर लिया उसको अपने लिए। या तो आप उपयोग करते हैं या ना भी करें तो आप उसे अपना कह के आपने 250 करोड़ रुपया खर्च करके एक घर बनवा लिया जिसमें 2.5 लोग रहते हैं, लेकिन 250 करोड़ रुपये का घर है वो। तो ये जो आपने प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा किया है, इसने एक बड़ा संकट पैदा किया है। और अभी जो दुनिया का संकट हम देख रहे हैं वो उसी तरह के संकट का एक परिणाम है। जो न्यूलिबरल इकोनॉमी आया है, मैं उस पर भी बात करूँगा थोड़ी देर में, उसका क्या हुआ है। लेकिन ये है कि प्रकृति के साथ जो हमारे संबंध के लिए, उससे प्रकृति से कैसे हम लेंगे, उसके लिए जो नियम कानून बने थे वो नियम कानून बिल्कुल ही गड़बड़ हो गए। और उससे जो मनुष्य का समाज है वो ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव समाज बन गया है, इस बात पे कोई दो मत नहीं हो सकता। आपने देखा कि अभी हिंदुस्तान में ग्रोथ रेट 8% था, जबकि समाज का ग्रोथ रेट 8% हो रहा हो, तब कैसे संभव है कि इतने सारे लोग, लाखों लोगों को पैदल चल के अपने शहर में जाना पड़ रहा हो माइग्रेंट लेबर्स को। आप देखें कि जैसे जैसे हमारा ग्रोथ ऊपर गया पिछले कुछ वर्षों में, वैसे वैसे हमने लेबर लॉ को रिलैक्स किया, उनकी सिक्योरिटी हमने कम कर दी। आज की तारीख में हम यहाँ पहुँच गए कि 90 से 95% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे काम कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है क्या मतलब, कि उसमें कोई लेबर लॉ लागू नहीं होता, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको एक दिन के अंदर निकाला जा सकता है। और अब तो ये बढ़ता ही आ रहा है, अब तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे वो यूनिवर्सिटी तक भी घुस सकता है कि आपका कोई राइट नहीं है, कोई ट्रेड यूनियन आप नहीं कर सकते, आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का काम करोगे। कभी ये भी संभव हो सकता है कि एक कंपनी, नॉलेज कंपनी बनेगी जो कॉन्ट्रैक्ट चलाएगा, और वो हम लोगों को दूसरे दूसरे यूनिवर्सिटी में भेज के पढ़वा के फिर बुला लेगा वापस, वो कॉन्ट्रैक्टर हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बना है ये एक समस्या है हमारे लिए। और ये समस्या मैं तो बहुत सरल तरीके से कह रहा हूँ, थोड़ा सा यदि इसको जटिल तरीके से समझा जाए तो मैं आपको बताऊँ कि पूंजीवाद के अलग अलग स्टेज में हमने देखा है कि कैसे पूंजीवाद का स्वरूप बदला है। जब पूंजीवाद आया था तो कल्पना ये की गई थी, एडम स्मिथ का यदि आप देखें कई मूवीज उसमें उपलब्ध हैं, तो एडम स्मिथ ने जिस सिस्टम को हटा के पूंजीवाद को लाने की कोशिश की थी, उसका सपना क्या था कि पूंजीवाद ज़्यादा क्रिएटिव है और ये ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सकता है काम में, और ये हर आदमी को एक ऑटोनॉमी दे सकता है। तो जो तर्क था पूंजीवाद का, चाहे लॉक हो या एडम स्मिथ हो, वो तर्क ये था कि आपको ज़्यादा फायदा होगा, यानी व्यक्ति को नहीं, कॉमन गुड होगा, यानी समुदाय के फायदे में पूंजीवाद काम करेगा। ये तर्क बहुत दिनों तक पूंजीवाद का बना रहा। आप देखोगे जब मिड 19वीं सेंचुरी में उपनिवेशवाद शुरू होता है तब भी क्या तर्क दिया गया, सिविलाइजिंग मिशन पे निकले हैं लोग, ये नहीं कह रहे एक्सप्लॉयटेशन के लिए निकले हैं, कहते थे हम सिविलाइजेशन के लिए निकले हैं। हमें बताया जा रहा था कि आप अनसिविलाइज्ड हैं, आपको सिविलाइज किया जा रहा है। वैसे ही जब 1929 में एक मेजर क्राइसिस आया तो क्या कहा गया कि देखो भाई वेलफेयर करो, नहीं करोगे तो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम कॉमन गुड के लिए काम कर रहे हैं, कॉमन गुड में प्रॉब्लम हो रहा है, हमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लोगों ने माना, चलो वेलफेयर इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए। 1970 में फिर संकट आया, और ये एक टर्निंग पॉइंट था 1970 में, जब पहली बार ये कहा गया, जो रीगन और थैचर के समर्थक इकोनॉमिस्ट थे फ्रेडरिक हायक और मिल्टन फ्रीडमैन वगैरह, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो कॉमन गुड है वो है फ्रीडम, रोड टू सर्फडम एक किताब लिखी हायक ने, कहा डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम दूसरी किताब थी। तो क्या कहा गया उसमें कि कैपिटलिज्म जो है वो फ्रीडम लाएगा, और तभी ये फ्रीडम और इक्वालिटी का बड़ा डिबेट पॉलिटिकल साइंस में चलता था, और फ्रीडम को माना गया कि बड़ा वैल्यू है ये, क्योंकि फ्रीडम के लिए ही हम फ्रीडम है तभी हम मनुष्य हैं, और फ्रीडम है तभी हम क्रिएटिव हैं। यहाँ तक कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तर्क है वो तर्क भी इसी बात पर आधारित है कि हमें एक तरह से क्रिएटिव पोटेंशियल डेवलप कर पाएंगे हम लोग उसके चलते। तो ये तर्क पूरा बदल गया, जिसके साथ ये न्यू लिबरल इकोनॉमी आपने देखा कि वो आया। न्यू लिबरल इकोनॉमी ने क्या किया, उन्होंने हमारे फ्रीडम को
कन्वर्ट कर दिया फ्रीडम ऑफ चॉइस में इन द मार्केट. सो अब हम सब लोग फ्री हो गए मार्केट में चीज़ों को चुनने के लिए. और यदि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम फ्री नहीं हैं, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं. फ्रीडम सिर्फ इतना है आपको कि आप चुन सकते हैं, पैसे नहीं तो आप बेकार हो गए. यानी हमारा पूरा वैल्यू, जो हमारा वजूद जो था, वो वजूद अब मार्केट में अवेलेबल फ्रीडम से डिफाइन होने लगा. और इसीलिए जिसे मैं पहले कहता था कि महामारी की तरह ये फैल गया, कि हमारे दिमाग में एक पूरी फिलॉसफी ने हमारे दिमाग को कब्जा कर लिया, जो कंज्यूमरिज्म था. द मोर यू कंज्यूम द बेटर यू आर लिविंग, उसको हम लाइफ स्टाइल कहने लगे, उसे हम लिविंग स्टैंडर्ड कहने लगे. उसका मेजरमेंट होने लगा कि लिविंग स्टैंडर्ड में कौन कहाँ पे है. मुझे याद है जब मैं दिल्ली आया था 1985 में और नौकरी मिली 1990 में, तो नौकरी के बाद मैं जिस कमरे में रहता था उसमें कोई सामान नहीं था. जो मेरे ऊपर रहता था वो एक बिजनेसमैन था. वो रोज़ मुझे आके कहता था कि सामान नहीं आपके पास है, तो आपका कोई वजूद नहीं, आपको सामान खरीद के लाना चाहिए. ये 90 का दौर था जब ये कंज्यूमरिज्म हमारे दिमाग के अंदर पूरी तरह से घुस गया और धीरे धीरे वो हावी हो गया. और आज हम उसे सफ़र कर रहे हैं. भयानक कंज्यूमरिस्ट फिलासफी में हम लोग दबे जा रहे हैं. तो न्यू लिबरल पॉलिसी ने, न्यू लिबरल 1970 के बाद जो पॉलिसी आई, न्यू लिबरल पॉलिसी, उसने एक तरह से एक नया आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म को दिया और वो कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिस्ट आइडियोलॉजी हो गया. हम इवन डिबेट में नहीं जाने लगे. हम इवन एजुकेशन को कंज्यूमरिज्म से जोड़ने लगे, हेल्थ केयर को कंज्यूमरिज्म से जोड़ने लगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट आने लगा. मैं इस बात में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या परिवर्तन उसमें आया. 2008 में फिर संकट आया, बहुत बड़ा संकट. आपने देखा उस टाइम में एक से एक बैंक कोलैप्स कर रहे थे. उसके बाद क्या हुआ और अभी तक उस संकट में चल रहे. प्रभात पटनायक कहते हैं कि हम उस संकट से बाहर नहीं हुए, और कोविड क्राइसिस ने तो हमें उस संकट में दोबारा से ठेल दिया है. ऑलरेडी हम बहुत परेशान थे और परेशान अभी हो गए. उस संकट से निकलने का क्या तरीका लोग ढूंढ रहे थे? उस संकट से निकलने का तरीका कुछ लोग कह रहे थे कि हमें वापस वेलफेयरिज्म में जाना चाहिए, वेलफेयर स्टेट बनना चाहिए. प्रभात पटनायक वगैरह इस बात को आज भी कर रहे थे, लेकिन इस बात की कोई उम्मीद मुझे नहीं लगती थी और अभी भी नहीं लगती. क्यों नहीं लगती? याद करें आप 70s को भी या उसके पहले भी, तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट बहुत स्ट्रांग था. लोग बाहर निकल आते थे, ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइज थे और स्टेट को बार बार वो फोर्स करते थे चीज़ों करने के लिए. लेकिन पिछले कुछ सालों में, ये 20 वर्षों में, ट्रेड यूनियन लगभग खत्म हो गया. कोई प्रेशर फ्रॉम बिलो नहीं है गवर्नमेंट के लिए जिसको रिस्पॉन्ड करे. तो अब वो जो वेलफेयरिज्म के लिए एक प्रेशर जो समाज में होता था, वो प्रेशर लगभग ख़त्म हो गया. और उसको ख़त्म करने की कोशिश कई तरीके से की भी गई है. जैसे रिलीजन का भरपूर उपयोग किया गया है. आपको याद होगा मेकियावेली कहते थे कि रिलीजन के द्वारा आदमी को रूल किया जा सकता है, और इसलिए स्टेट को रिलीजन का उपयोग करना चाहिए. ये संकट जैसे जैसे गहरा रहा है, आप देखेंगे रिलीजन का रिसर्जेंस वैसे वैसे बढ़ रहा है. ये अलग बात है कि रिलीजन के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि उसका उपयोग हो पा रहा है. सुलेस मिलता है, जो मार्क्स कहते हैं हार्ट ऑफ हार्टलेस वर्ल्ड भी है वो, लेकिन ये भी सच है कि उसके द्वारा इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है. तो कोई प्रेशर फ्रॉम बिलो नहीं. तो फिर वो क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कैपिटलिस्ट क्लास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, इस तरह की चीज़ों को उपयोग में लाएंगे. और आप देखेंगे कि ये हॉस्पिटल्स, ये इंडस्ट्रीज, इन सब जगहों पे आपको काम करने वाले लोग नहीं दिखेंगे, मशीनें दिखेंगे. अभी कोई बता रहा था कि चाइना में जो पावर प्लांट था, उस पूरे पावर प्लांट में मैक्सिमम 20 लोग काम कर रहे थे. ये प्रोफेसर अरुण कुमार इकोनॉमिस्ट है, वो बता रहे थे ये पूरे पावर प्लांट में, यहाँ कितने पूरा बरौनी थर्मल पावर बस जाता है, पूरा शहर बस जाता है, लेकिन वहाँ पे 20 लोग काम कर रहे हैं. मैं स्वीडन में था एक बार, तो मेरी खिड़की से एक दिखता था, एक मकान बन रहा था, मुझे वहाँ कोई आदमी दिखता ही नहीं था. फिर मैं जब गया उसके पास वहाँ देखने के लिए, 2 लोग काम कर रहे थे, बाकी सारा कुछ मशीन से मैनेज हो रहा था. तो लेबर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम करेंगे ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े. दिस इज़ ट्रू नॉट ओनली अबाउट इंडस्ट्री, दिस विल बी ट्रू ऑल्सो अबाउट द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. ये जो ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन टीचिंग का सब मामला चल रहा है, आप जान लीजिए कि उससे ये लोग
प्रॉफिट के लिए। अभी मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला है, मैं शेयर कर सकता हूँ आपको। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक कॉन्फ्रेंस किया था कि कैसे इंटरनेट टीचिंग का कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, काफ़ी रिसर्च वो कर रहे हैं। ये बिरला अंबानी रिपोर्ट बनाने वाले जो लोग हैं वो लोग इस बात को बहुत दिन से कह रहे हैं कि टीचिंग में इस तरह की टेक्नोलॉजी को लाने की ज़रूरत है। तो ये जो कैपिटलिज्म का नया स्वरूप इमर्ज कर रहा है, ये स्वरूप जो हमारा संबंध प्रकृति के साथ है उसको और विच्छेद करेगा। ये एक तरह से भारी एलिनेटेड समाज बनाएगा। बेरोजगारी लोग कह रहे थे कि अमेरिका में अगले 10-15 साल में बेरोजगारी 70% होने वाली है। अब तो मुझे लगता है कोविड-19 के बाद ये इतना समय नहीं लगेगा बेरोजगारी होने में, और ज़्यादा और कम समय में ज़्यादा बेरोजगारी हो जाएगी। तो ये नया चैलेंज हमारे लिए है। ये जो नया नया नई इकोनॉमी आई है, नए तरह की इकोनॉमी आई है, इसके चलते जो कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति आ रही है वो एक तरह से लेबर को भी इंडस्ट्री से बाहर निकालने में सक्षम हो सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस से उनको बाहर निकालने में सक्षम हो सकते हैं। तो फिर क्या होगा इसके बाद? इसके बाद दो बातें हो सकती हैं। यदि तो उसमें बहुत प्रॉफिट हो गया तो हमें बेसिक मिनिमम इनकम दे देंगे कि आप रहो आराम से, खाओ पियो, खाने पीने भर आपको सामान मिल जाए। नहीं, यदि हम प्रोटेस्ट करेंगे तो स्टेट अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ेगा, जिसे मैं कहता हूँ टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट। और कोविड-19 ने बिल्कुल प्रूफ कर दिया ये अभी जो स्टेट इमर्ज किया है वो स्टेट पुराने स्टेट से बहुत अलग है। इसके मन में वेलफेयरिज्म की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं, ये टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट है, टेक्नोलॉजी के द्वारा चीज़ों को मैनेज करेगा। और चाइना इसका मॉडल है। चाइना न्यू इम्पीरियलिस्ट है जो टेक्नो अथॉरिटेरियन मॉडल को पॉपुलराइज करेगा पूरी दुनिया में। लोग कहते हैं चाइना ने बड़ा अच्छा अपने कोविड को मैनेज कर लिया। कैसे मैनेज कर लिया, कभी उसकी डिटेल्स को आप पढ़ें कि वो कैसे सर्विलेंस रखता है। बीमारी के लिए तो चलो ठीक भी रहा होगा, लेकिन वो केवल बीमारी तक नहीं सीमित है। जो टेक्नोलॉजी स्टेट ने एक्वायर किया है हमें देखने का, हमारे ऊपर कंट्रोल करने का, आप देखेंगे कि वो बहुत जल्द ही आपके पास बहुत अथॉरिटेरियन स्टेट इमर्ज करेगा यदि कोविड-19 ख़त्म नहीं हो गया तो। ये हो सकता है लेजिटिमेसी के लिए बीच बीच में कोविड-19 जैसी कोई चीज़ ये डिक्लेयर कर देंगे ताकि मूवमेंट वगैरह पॉसिबल नहीं हो। ये नई परिस्थिति हमारे सामने होने वाली है। अब इसमें यदि हम देखें, गांधी से संवाद करें कि क्या करना चाहिए, तो गांधी बखूबी हमसे कहेंगे पहली बात तो ये है कि कंज्यूमरिज्म के ट्रैप से बाहर निकल आओ, सादा जीवन जियो। शरीर पे कंज्यूमरिज्म का बड़ा इम्पैक्ट खराब हो रहा था, उससे बचने की कोशिश करो। वांट और नीड में डिफ्रेंशिएट करना सीखो, तुम्हारी ज़रूरत क्या है शरीर को और तुम्हारी चाहतें क्या हैं। चाहतें कंस्ट्रक्टेड हैं, चाहत तो बाजार आपके अंदर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और ज़रूरतें आपके शरीर की हैं, नेचुरल ज़रूरतें। तभी वो कहते थे कि आपके पास प्रकृति के पास आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन आपकी लालच को पूरा करने के लिए यथेष्ट नहीं है। आपको कहानी मालूम होगी, गांधी गए माउंटबेटन के यहाँ खाना खाने के लिए, तो माउंटबेटन उससे पहले नेहरू का खाना खाने गए थे। तो माउंटबेटन ने नेहरू के लिए तो बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल में सब कुछ लगाया था, लेकिन जब गांधी को बुलाया गया खाने के लिए तो बड़ी चिंता हुई कि कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिन लगाया गया ताकि बेसिन में कुल्ला कर सके, गांधी खाने के पहले कुल्ला करते थे। जब गांधी खाने बैठे तो उन्होंने नीम की चटनी और रोटी निकाली अपनी और बकरी के दूध का दही। माउंटबेटन को उन्होंने एक चम्मच नीम की चटनी दे दी, कहा कि खाइए माउंटबेटन साहब, बहुत अच्छा है। माउंटबेटन ने सोचा कि उसे जल्दी खा के पानी वानी पी लें, उन्होंने पानी पी लिया। तो गांधी ने कहा कि लो, अरे बहुत अच्छा लगा तुम्हें, अच्छी लगी चटनी, थोड़ा और ले लो। फिर गांधी ने व्हाट वाज ही एम्फसाइजिंग, देखो ये ज़रूरत की चीज़ें हमारे लिए हैं, जो खाना हम खाते हैं वो अपने बॉडी को ठीक रखने के लिए खाते हैं, तो हमें कंज्यूमरिज्म से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे निकलेंगे क्या करेंगे वो अलग बात हो सकती है, लेकिन कंज्यूमरिज्म से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात वो क्या कहेंगे कि आप अपने एजेंसी को एसर्ट करो। यदि आप मार्केट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहोगे तो आपकी स्वायत्तता ख़त्म हो जाएगी। जो स्वराज आपको चाहिए, चिंतन का स्वराज जो चाहिए, सच बोल पाने का जो स्वराज आपको चाहिए, वो सब आपका ख़त्म हो जाएगा।
तो स्वराज की एजेंसी जो स्वराज की है उसको पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तीसरी बात वो क्या कहेंगे कि प्रकृति के साथ अपने संबंध को आप बदलें। आप जो कहते थे अक्सर, प्रकृति से उतना ही लें जितनी आपको ज़रूरत है, बाकी आप छोड़ दें लोगों के लिए। जब आप कुछ लेते हैं प्रकृति से तो आप मान के चलें कि प्रकृति ने आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको दिया है, बाकी दूसरों के लिए। और प्रकृति को सजीव माने, उसको रीजेनरेट करने के लिए का उपाय करें। यदि आपने प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर दिया, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आप बार बार प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली आप उस ट्रैप में फंसेंगे ही फंसेंगे। जैसे गांधी एयर कंडीशनर के बहुत खिलाफ हुआ करते थे, मुझे मालूम है लोग कहेंगे कि भाई आज तो सब लोग लगा रहे हैं एयर कंडीशनर। ये वही प्रॉब्लम है, यदि ये डिसाइड करे पूरी सोसाइटी एयर कंडीशनर नहीं लगानी है तभी यह संभव हो पाएगा। ये नीतिगत फैसले आपको लेने पड़ेंगे। तो ये गांधी का तरीका होगा सोचने का कि हम प्रकृति के साथ नए तरीके से संवाद कैसे स्थापित करें। और ये बहुत सारे प्रयोग दुनिया में चल रहे हैं जिस संवाद में जो डिफरेंस है, जो इनइक्वालिटी वो क्रिएट नहीं है, जिसमें डिग्निटी ऑफ लेबर हो, जिसमें हम जो काम करें वो एलिनेटिंग नहीं हो, तभी एक ऐसा समाज बनेगा जो एलिनेटिंग नहीं होगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप कभी मौका मिले तो पढ़िए उसके बारे में, बहुत मटेरियल उपलब्ध है। एक मॉन्ड्रेगॉन एक्सपेरिमेंट है स्पेन में, बहुत गरीब इलाका था वो। उस इलाके में किसी पादरी ने एक चर्च खोलने की कोशिश की, इतना गरीब था कि वहाँ कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर उसने वहाँ एक प्रोडक्शन प्रोसेस, एक ट्रस्ट बनाया, एक लोगों के साथ संवाद करके एक एक कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया। और आज की तारीख में सब जगह पूंजीवाद संकट में है, प्रोडक्शन प्रोसेस संकट में है, लेकिन वहाँ ज़्यादा संकट नहीं है। उसका रेट ऑफ इनोवेशन हाईएस्ट है और मिनिमल इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में। एक तरह का गांधीयन कोऑपरेटिव आपको वो नज़र आएगा। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, एक नहीं है। पलामू में आप जाएं, एक बरवाडी वहाँ जगह है जहाँ आदिवासियों के साथ मिलकर एक गांधीयन ने एक प्रयोग किया था, बहुत बेहतर प्रयोग था कि कैसे प्राकृतिक साधनों से अपना नए तरीके का संबंध हम बनाएं, जो संबंध इस बात पर टिका हुआ नहीं हो कि हम लालची की तरह प्रकृति का दोहन करते चले जाएं, चाहे वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो हो जाए। ये जो नीतिगत ये चेंज है ये हमें अपने अंदर लाना। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात ये होगी कि जो स्टेट अथॉरिटेरियनिज्म ग्रो कर रहा है उसको कैसे काउंटर किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और कैसे हम आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? जो टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट इमर्ज करेगा, गांधी के समय का जो स्टेट था, जो कॉलोनियल स्टेट था, वो आज के स्टेट से फिर भी बेहतर था। पता क्यों? क्योंकि गांधी के समय का जो स्टेट था वो एक ऐसे ब्रिटिश सोसाइटी का स्टेट था जो इन प्रिंसिपल लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को मानने के लिए बाध्य था। गांधी की रणनीति क्या थी? गांधी की रणनीति ये थी कि आप इस ब्रिटिश स्टेट को समझाओ कि जिस प्रिंसिपल पे आपने सरकार ब्रिटेन में सरकार आप चला रहे हैं, आप यहाँ उस प्रिंसिपल का खिलाफ कर रहे हैं, तो ब्रिटेन के लोग भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये कैसा कॉलोनियल रूल होता है? ये कैसा कर रहे हैं जो हमारे अपने जिन सिद्धांतों को हम यूनिवर्सल मान रहे हैं हम उसी को वहाँ ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्रिटिश चिंतकों में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आएगा। बहुत सारे लोग इस बात का बहुत विरोध करते थे जिस तरह से यहाँ कॉलोनियल रूल चल रहा था, और गांधी बखूबी उस कॉन्ट्राडिक्शन को समझते थे और उसको एक्सप्लॉइट करते थे, एक्सप्लॉइट इन सेंस उसको यूज करते। आज की तारीख में जो स्टेट आपके सामने है वो उन प्रिंसिपल्स को नहीं मान रहा, वो अथॉरिटेरियन स्टेट है। उसने एक डेवलपमेंट का डिस्कोर्स खड़ा किया है। डेवलपमेंट के नाम पर आपके रिसोर्सेस लोग लूट रहे हैं, प्लंडर हो रहा है रिसोर्सेस का, और हमें उसके डेवलपमेंट का झांसा दिया जा रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है। ये रिकंसिडर करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे हम अपने संबंधों को बदलें और इस ये जो अथॉरिटेरियन स्टेट इमर्ज कर रहा है इससे कैसे संवाद करें। जो जिस स्टेट से गांधी लड़ रहे थे उसकी तुलना में आज का स्टेट
कहीं ज्यादा अथॉरिटेरियन है, कहीं ज्यादा अथॉरिटेरियन है, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स बदल गए हैं। तो ऐसे में जब आप प्रोटेस्ट करने निकलेंगे तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपको ये तो एक तरह से काफ्का का स्टेट होता था। काफ्का की किताबें पढ़ें आप, उसका जो स्टेट है वैसा स्टेट होते जा रहा है कि आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा कि आप कहाँ चले गए, आपको उठा लिया जाएगा, आप गायब हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा ये स्टेट का जो अथॉरिटी है ऐसे काम कर रहा है। अभी जो अमेरिका में हुआ, जो विद्रोह हुआ, मैंने किसी से पूछा कि ये वायलेंस वहाँ क्यों हुआ इतना, उसने कहा क्योंकि हमें कोई गांधी नहीं है। ये दूसरी बात मुझे सुनने में आई, दूसरी बार मुझे सुनने में आई। पहली बार शे गुवेरा से किसी ने पूछा था कि क्रांति के लिए वायलेंस की क्या जरूरत थी आपको, उसने कहा क्योंकि हमारे पास कोई गांधी नहीं था। तो यदि हम वायलेंस को आज की तारीख में इस टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट के खिलाफ में यूज करेंगे आंदोलन के लिए, तो हम मेरी बात मान के चलें, ये टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट इतना पावरफुल है कि वायलेंस को कंट्रोल करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। एक बात जो मेरे दिमाग से कभी निकलती नहीं है वो है, जब रामदेव जी बैठे थे रामलीला मैदान में, अनशन कर रहे थे और उन्हें भागना पड़ा यहाँ से, तो भागने के बाद उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि मैं एक आर्म सेना तैयार करूँगा इसे लड़ने के लिए, 1,000 या 11,000 कितना आर्म तैयार करूँगा। उसके बाद जो चिदम्बरम जी का क्लिप मुझे कहीं मिलता तो मैं आपको दिखाता, होम मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब, जो उन्होंने कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो और इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि रामदेव जी ये करके देख लें, मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, ये अथॉरिटेरियन स्टेट आपके वायलेंस को बखूबी हैंडल कर सकता है, आपके नॉन वायलेंस को हैंडल करने में इसे दिक्कत होगी, और केवल नॉन वायलेंस के को ही हैंडल करने में इसे थोड़ी दिक्कत होगी, वायलेंस को बखूबी हैंडल कर लेगा। इसीलिए जो इस टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत होगी या आगे जो आने वाले टाइम में पड़ेगा, ये इसको बढ़ना ही है क्योंकि पब्लिक मानेगी नहीं। यदि सिंपल सी बात है जो दिनकर कहते थे, शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग नर का सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम होगा, ये जो बड़ी मूल मंत्र है, इंसानी फितरत है ये कि वो क्रांति करेगा, वो विद्रोह करेगा इसके खिलाफ। दुनिया में हमेशा विद्रोह होता रहा है, हर समय जो जिसके खिलाफ विद्रोह होता है उसकी क्या प्रकृति है, उसकी क्या ताकत है, उस पर निर्भर करता है कि विद्रोह का स्वरूप क्या होता है। और ये बात मान लें आज की तारीख में कि टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट ने जो टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एक्वायर किया है, ड्रोन जैसा टेक्नोलॉजी जो एक्वायर किया है, इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ जब आपको युद्ध करना होगा, उनके खिलाफ जब आपको विद्रोह करना होगा, तो आपको गांधी के पास गए बिना कोई तरीका नहीं। अब याद करें चौरी चौरा कांड क्यों विड्रॉ किया गांधी ने, कहा कि विड्रॉ कर लो, मेरी आत्मा की आवाज है। आपको मालूम होगा कि सब लोग बैठे थे कह रहे थे कि ये विड्रॉ करना सही नहीं है, मूवमेंट सही जा रहा है, तो गांधी ने कहा मेरी आत्मा की आवाज है, इसके अलावा मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बट सिर्फ आत्मा की आवाज नहीं थी, मेरे ख्याल से गांधी समझ रहे थे कि ये स्टेट तैयार है इस बात के लिए कि जैसे ही वायलेंस होगा कि बस फिर दबा देना पूरे आंदोलन। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में वायलेंस को दबा देना कॉलोनियल स्टेट के लिए बहुत आसान था, नॉन वायलेंस ने स्टेट के लेजिटिमेसी को ख़त्म कर दिया। मेरे जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि आपकी समस्या ये है कि आप समझते हो आप वायलेंस के थ्रू इंडियन स्टेट को पराजित कर सकते हो, कर नहीं सकते। मॉडर्न स्टेट बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत ताकत है, उसका तो 1% भी आपके यहाँ यूज करने की उसे जरूरत नहीं है, वो आपको कंट्रोल में कर लेगा। इसलिए मुझे लगता है इस टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट के खिलाफ के बात से यदि आपको संवाद करना है, उसके विरोध में जाना है, उससे एंगेज करना है, तो आपके पास इसके अलावा शायद ही कोई तरीका है कि आप गांधी के पास जाएं और गांधी से उसका जो एथिकल रियलिज्म का मंत्र है उसको ठीक से आप सीख लें, अपने कान में उस मंत्र को डाल लें अच्छी तरह से, तभी आप एक एक लेजिटिमेट आंदोलन खड़ा कर पाएंगे जिसका कुछ इम्पैक्ट होगा।
और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में हो रही है दुनिया भर, जो आर्थिक संकट के समय ज़्यादा हो जाती है, गांव में एक कहावत है कि अभाव से स्वभाव बिगड़ जाता है। जब तक आपके पास एबंडेंस है तब तक आप जेनरस भी होते हैं, जब आपका अभाव शुरू होता है आपके पास, आप एबंडेंस कम होने लगता है, तब आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने लगते। जैसे अभी ट्रंप साहब छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि अमेरिका की ताकत अब घट रही है दुनिया भर, क्योंकि जिन चीज़ों को कभी वो ध्यान में नहीं देते थे उन्हें उन्हें पकड़ने की जरूरत पड़ रही है। ये जो अभाव में स्वभाव बिगड़ता है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या होता है? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है अदर के ऊपर। आप अदरिंग शुरू करते हैं, आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में आप कहते हो आइडेंटिटी मूवमेंट शुरू हो रहा है। ये जो आइडेंटिटी मूवमेंट शुरू हो रहा है, जहाँ आप एक 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 आइडेंटिटी दूसरे आइडेंटिटी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होता, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, चाहे वो लैंग्वेज के नाम पे हो, चाहे वो रेस के नाम पे हो, जिस भी नाम पे हो, ये जो एंग्जाइटी आपके अंदर हमारे अंदर पैदा होता है, जो अभाव के कारण, जो कंज्यूमरिस्ट डिज़ायर एंड एब्सेंस ऑफ गुड्स, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। हमारी डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें इंफॉर्मेशन बहुत है, हम जाते हैं अमेजोन पे और एक से एक सामान देखते हैं, लेकिन हमारे पास खरीदने की क्षमता नहीं है। ये क्या क्या है वो जो खाना परोसता है, पहुँचाता है आजकल, जोमेटो, एक से खाना आपको पहुँचा सकता है, लेकिन आपके पास खाने के लिए पैसे हैं या नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी कोविड में क्या हुआ, जब वो खाना नहीं आने लगा सब लोग हम लोग बराबर हो गए, लेकिन जैसे ही वो खुलता है, खुलेगा और ये खाना सर्व करने लगेंगे, तो पता चलेगा कि आपका जो वजूद है वो इस बात से डिफाइन होगा कि आप जोमेटो से क्या मंगाते हैं, क्या खाते हैं, किस जगह खाते हैं, कहाँ खाने जाते हैं, कहाँ पार्टी करते हैं। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी बन रही है, और इस एब्सेंस में जो अभाव, जो रिसोर्स के अभाव में हमारे अंदर जो एंग्जाइटी हो गई है, वो एंग्जाइटी फूटती है एथनिक क्लासेस में, झगड़ों में। ये जो आप अमेरिका की चीज़ों को देख रहे हैं, किस बात की लड़ाई थी? $20 की लड़ाई थी। $20 उन्होंने कहा कि $20 दिया, तो दुकानदार ने कहा कि ये गलत नोट है, और उसने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने देखा, झपड़ झड़प हो गई पुलिस से, उसमें वो मारा गया, और $20 सही था, वो गलत नहीं था नोट। ये पूरी लड़ाई क्या सिर्फ उसके लिए हो गई? ऐसा नहीं, लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, और वो एंग्जाइटी कहीं ना कहीं चैनलाइज हो जाती है, वो चैनलाइज होती है इस तरह की समस्याओं। आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में जब ये लॉकडाउन शुरू हो रहा था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ आया कि लॉकडाउन में लोग बंदूकें खरीद रहे हैं। ये क्या है? ये एंग्जाइटी है, हमारी इनसिक्योरिटी है। ये जो कैपिटलिज्म ने इनसिक्योर समाज हमारा बनाया है, जहाँ हम डिफाइंड होते हैं कंज्यूमरिज्म के द्वारा, जहाँ हम इतना एलिनेट हो गए हैं कि दूसरे को हम समझते हैं वो अदर है, चाहे जिस भी ग्राउंड पे अदर समझें, तो ऐसा समाज जो हमारा बना है, इसमें डिग्निटी हमारी सेफ नहीं है, हम डिग्निफाइड तरीके से इसमें नहीं रह सकते, और डिग्निटी भी सेफ नहीं है तो वायलेंस की संभावना बढ़ती है। गांधी यदि होते तो कहते इस बात को समझना ज़रूरी है कि हम रिलेशनल बीइंग हैं, जैसे साउथ अफ्रीकन अफ्रीकन एक ट्राइब है जहाँ कहते हैं उबंतु, हम हैं क्योंकि आप हैं, हमारा होना आप पर निर्भर कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट गांधी का है कि हम रिलेशनल बीइंग हैं, हमें सेक्रीफाइस करना, सफ़र करना चाहिए, हमें सेक्रीफाइस करने की आदत डालनी चाहिए, हमें कष्ट में रह के भी दूसरों का की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा जो है वो दूसरा नहीं है, वो हमारा ही हिस्सा है। ये जो बात गांधी कहते थे, ये नया दर्शन अभी दुनिया को उसकी ज़रूरत है। मे भी गांधी के रूप में ना हो, मे भी और रिफाइंड तरीके से हो, लेकिन उसकी ज़रूरत है। और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर के लोग कह रहे हैं। दिक्कत गांधी के साथ क्या है कि बहुत से जो पश्चिम के दार्शनिक हैं, वो समझते हैं अरे ये औपनिवेशिक चिंतक से हमें लेने की ज़रूरत पड़ रही है, ये तो बड़ा गड़बड़ है।
तो वो उसको मानते नहीं, गांधी के बारे में बात नहीं करेंगे या बुद्ध के बारे में बात नहीं करेंगे, बुद्धिज्म के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन वो कह यही रहे। रॉय भास्कर एक बड़े दार्शनिक थे, फिलोसोफर ऑफ साइंस थे, वो कहते थे कि दुनिया तभी बचेगी जब हम पॉलिटिक्स ऑफ अनकंडीशनल लव शुरू करें। जो अनकंडीशनल लव है वो क्या है? गांधी तो यही कह रहे हैं ना, अनकंडीशनल लव है, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मैं और तुम एक ही हैं, और इसीलिए मेरा जीवन तुम्हारे लिए है। ये यदि हम सोचना शुरू करते हैं, यदि हम अपने पहले दूसरे का ध्यान रखना शुरू करते हैं, तो एक अलग तरह का जीवन बनेगा, एक अलग तरह का समाज बनेगा। इस दर्शन की ज़रूरत है, और ये दर्शन कोई आश्चर्यजनक दर्शन नहीं है, ये बड़ा एथिकल रियलिस्ट दर्शन है, ये रियलिस्ट है। मैं आपको बताऊँ, इसका उदाहरण देता हूँ। जापान के एक फिलोसोफर है कोजिन कारातानी, यदि आप उनका नाम टाइप करेंगे तो उनका एक आर्टिकल निकल के आएगा जो टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने कभी लिखा था। जब जापान में भूकंप आया था और भूकंप के बाद वहाँ का जो न्यूक्लियर प्लांट था उसमें कुछ संकट हो गया था, तो पानी को लोग, वहाँ पानी की बड़ी कमी हो गई थी, तो पानी को गर्म करके लोग बर्फ को गर्म करके पानी बनाते थे और लोग पीते थे। कोजिन ने लिखा कि आश्चर्य कि जहाँ पूरा माहौल कंपटीशन का हो, वहाँ जो समुदाय है पानी को लेकर जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो एकदम से कोऑपरेशन का है। शायद यही दुनिया में आने वाले दर्शन का द्योतक है, शायद यही नया एक्सपेरिमेंट होगा अपने समाज को नए तरीके से बनाने का। कोजिन के बारे में फेमस है, जो गांधी से प्रभावित हैं, मार्क्स से भी प्रभावित हैं। उनकी एक बड़ी अच्छी किताब है, यदि आपको मिले ज़रूर पढ़ें, ट्रांसक्रिटिक उसका नाम है। तो ये जो चीज़ें बदल रही हैं, ये जो चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, ये इस लेवल पे पहुंच जाएंगी थोड़े दिनों के अंदर कि आपके पास गांधी के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और गांधी कोई व्यक्ति नहीं, सिंबल, एक जो थॉट प्रोसेस है, जिस थॉट प्रोसेस के बारे में मैं कहता हूँ, ये कोई व्यक्ति का थॉट प्रोसेस नहीं था, ये एक संस्कृति का थॉट प्रोसेस था। ये वही संस्कृति थी जिसमें एक से एक लोग हुए थे, कबीर भी हुए थे, रूमी भी हुए थे। ये जो सारा सबक है अनकंडीशनल लव का, ये तो कबीर और रूमी सब पहले पढ़ा के जा चुके थे, गांधी ने केवल उस परंपरा को आधुनिक तरीके से समझने की कोशिश की। गांधी ने उन लोगों से संवाद किया, गांधी ने रूमी और कबीर जैसे लोगों से का कॉग्निटिव रीडिंग किया, गीता का कॉग्निटिव रीडिंग किया, और नए तरीके से दर्शन को गढ़ा है, जो दर्शन ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए फ्यूचर का दर्शन होगा, भविष्य का यही दर्शन होगा, ऐसा मुझे लगता है। यदि हमने दूसरे के डिग्निटी को ध्यान में नहीं रखा, ये समाज रहने लायक नहीं रहेगा, ये दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी। और मैं आखिरी बात कहूँ कि ये जो स्टीफन हॉकिंग थे, एक बार वो स्पेस में गए, लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं स्पेस में, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ कि इंसान रहेगा कैसे, क्योंकि जो हालात अभी है, यदि उसको उन्होंने ठीक नहीं किया, यदि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ठीक नहीं हुए, तो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट तो पहले भी दुनिया में रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ है, ख़ास बात हुई है कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मास किलिंग, मास मर्डर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत सस्ता हो जाएगा, किसी को भी उपलब्ध हो सकता है। जैसे बायोलॉजिकल वेपन देखिए, ये जो कीटाणु है जिससे आप पूरी दुनिया बंद हो गई, वो तो छोटी सी जगह में पैदा हुई, और क्या पता किसी ने पैदा किया हो, और शायद कोई भी इसको पैदा कर सकता है, कुछ चीज़ों को सड़ा कर कोई भी पैदा कर सकता है, ये ऐसा संभव है, तो फिर उसे पूरा फैला सकता है। तो ये मास किलिंग की कैपेसिटी है, केवल स्टेट का उसके ऊपर मोनोपोली नहीं भी रह सकता है, हो सकता है कि बड़ा डेमोक्रेटिक हो जाए, कोई भी मास किलिंग करने में सक्षम हो जाए, और यदि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, यदि जस्ट न्याय नहीं होगा, तो मास किलिंग शुरू होगी। इनफैक्ट मैं आखिरी बात कहूँगा, महाभारत को कोट करके मैं ख़त्म करूँगा। जब युद्ध होने वाला था तो धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि मुझे विदुर को बुलाओ मेरे लिए। विदुर को बुलाया गया, विदुर आए, तो उन्होंने पूछा विदुर इस युद्ध के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, तो
विदुर ने कहा कि इस युद्ध के लिए आप रिस्पॉन्सिबल। ये धृतराष्ट्र को बड़ा गुस्सा आया, आप मुझे रिस्पॉन्सिबल कह रहे हो, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो कहा कि दरअसल बात यह है कि यदि अन्याय होगा तो युद्ध होगा। तो धृतराष्ट्र ने पूछा अन्याय क्या है और न्याय क्या है, ये डिफ्रेंशिएट करके मुझे बताओ। कहा बहुत छोटी सी बात है अन्याय, जो चीज़ अब अपने लिए नहीं चाहते हो वो दूसरों के लिए मत चाहो। जो बात रॉल्स कहते हैं जब वो कहते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं, थियोरी जस्टिस और थियोरी बनाने की, पोलिटिकल साइंस के लोग जानते हैं। तो ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप में जो दूसरों को डिग्निफाइड तरीके से ट्रीट करने का टेक्निक है, जो मेथड है, जो तरीका है, वो गांधी ने हमें सिखाया। वहाँ हमें जाने की ज़रूरत हो, यदि हम इंसान को सिर्फ उनके स्वार्थ का पुलिंदा मान लेंगे तो फिर हम कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ज़रूरी है हम ये माने कि स्वार्थ भी हमारा है, जो बहुत सारा स्वार्थ हमारा है जो हमारा बॉडी थ्रो करता है, बहुत सारा स्वार्थ हमारा जो हमारा माइंड थ्रो करता है, लेकिन उन स्वार्थों को कंट्रोल कौन करता है? जो हमारा एथिक्स है, जो एजेंसी हमें मिली हुई है, एथिकल एजेंसी जो हमें मिली हुई है, तो उस रियलिज्म को हम एथिकल एजेंसी के साथ नहीं मिक्स करेंगे तो फिर हम आगे सही समाज नहीं बना पाएंगे। गांधी का ये दार्शनिक मूल मंत्र है, यदि इसे हम समझें तो वर्तमान समय के संकट में हम गांधी से एक बेहतर संवाद कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं आगे। मैं यहीं अब रुकना चाहूँगा, यदि आपका कोई सवाल होगा तो मैं उसको जवाब दूंगा, नहीं तो फिर मैं